नमस्कार दोस्तों, ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न। फ्रेंड, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपको इनकम टैक्स की ई फिलिंग पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है। दोस्तों, ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है और ये ITR फाइल करने का फर्स्ट स्टेप माना जाता है। इसके बाद ही आप अपना TDS का डिडक्शन देख सकते हैं और ITR फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इनकम टैक्स के ई फिलिंग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड, मैं संतोष कुमार शाह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डी गुंजा टेक में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का घंटी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, हमें इनकम टैक्स की ई फिलिंग पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए हमें सबसे पहले क्रोम ब्राउजर में आना होगा। फ्रेंड, क्रोम ब्राउजर में आने के बाद हमें यहाँ टाइप करना होगा ई फिलिंग। उसके बाद ये जो फर्स्ट वाला जो साइट दिखाई दे रहा है www.incometaxindiafiling.gov.in, ये वाले साइट पर जाएंगे। फ्रेंड, ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल साइट खुल गई है। इसके अंदर हम ITR अपना फाइल कर सकते हैं तथा अपना TDS का डिडक्शन देख सकते हैं, 26AS देख सकते हैं। ये सभी काम करने के लिए हमें सबसे पहले फ्रेंड रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर योर सेल्फ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फ्रेंड ये जो सेलेक्ट यूजर टाइप ऑप्शन आ रहा है, इसके अंदर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद ये जो पहला वाला यदि वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इंडिविजुअल, इसको सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड एक पेज खुला है, इसमें जो जो डिटेल मांग रहा है वो फिल करेंगे। इसके अंदर फ्रेंड देखिए, तो चलिए एक एक करके इसे भर लेते हैं। सबसे पहले हम अपना पैन नंबर डालेंगे। फ्रेंड, पैन नंबर डालने के बाद हम अपना सरनेम डालेंगे। सरनेम डालने के बाद यदि आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालेंगे। मेरे केस में मिडिल नेम नहीं है तो मैं इसे छोड़ दूंगा। उसके बाद फर्स्ट नेम डालेंगे। फर्स्ट नेम डालने के बाद हम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद हम रेजिडेंटल स्टेटस, इसके अंदर रेजिडेंट फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड एक और पेज खुला है, इसमें भी हम अपनी सारी डिटेल फिल करेंगे। फ्रेंड, ऊपर जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें पहला स्टेप हमने फॉलो कर लिया है, सेकेंड स्टेप पर आएंगे। उसी तरह से थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें यूज़र नेम दिखाई दे रहा है आपको, सरनेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब भरा हुआ है। अब सेकेंड जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें हम कोई भी अपना पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए, इसमें पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पासवर्ड को फिर से कंफर्म करेंगे। तो पासवर्ड हम कोई भी अपना पासवर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, पासवर्ड सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्राइमरी सीक्रेट क्वेश्चन, इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे। प्राइमरी सीक्रेट क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद उसका आंसर टाइप करेंगे। आप कोई भी आंसर अपने मर्जी से टाइप कर सकते हैं। प्राइमरी सीक्रेट क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद हमें सेकेंडरी सीक्रेट क्वेश्चन सेलेक्ट करना होगा। फ्रेंड, सेकेंडरी सीक्रेट क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद इसका आंसर हमने टाइप कर दिया है। अपनी मर्जी से आप जो भी आंसर टाइप करना चाहें टाइप कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड ये कॉन्टैक्ट डिटेल में आएंगे। हम अपना कॉन्टैक्ट के लिए हम अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। फ्रेंड, इसमें जो भी स्टार बने हुए दिखाई दे रहे हैं, ये स्टार जो बने दिखाई दे रहे हैं, ये ऑप्शन मैंडेटरी हैं, इसे भरना ही भरना है, बाकी आप खाली छोड़ सकते हैं। तो चलिए बारी बारी से भर लेते हैं। तो चलिए हम अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। फ्रेंड, मोबाइल नंबर डालने के बाद हम अपना ईमेल आईडी डालेंगे। तो चलिए हम अपना ईमेल भी डाल देते हैं। फ्रेंड, ईमेल आईडी डालने के बाद ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्राइमरी ईमेल आईडी बिलोंग्स टू, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसमें सेल्फ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एड्रेस वाला ऑप्शन फिल करेंगे। तो चलिए बारी बारी से भर लेते हैं। फ्रेंड,
इसमें सारा डिटेल फिल करने के बाद ये जो कंटिन्यू वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद फ्रेंड ये इस तरह का ये मैसेज देगा, इसे पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद इसे कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद जो हम अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो फिल किए थे उसका वेरिफिकेशन आएगा, यानी इसमें एक ओटीपी ईमेल पर जाएगा और एक ओटीपी मोबाइल पर जाएगा, वो दोनों ओटीपी यहां डाल के वैलिडेट कर देंगे। तो चलिए बारी बारी से ओटीपी डाल के वैलिडेट कर देते हैं। फ्रेंड ईमेल ओटीपी और मोबाइल ओटीपी दोनों को एंटर कर दिए हैं। दोनों एंटर करने के बाद फ्रेंड वैलिडेट वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फ्रेंड ये देखिए अपना यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट हो गया है जो हम। तो फ्रेंड इसके बाद हम बड़े आसानी से इनकम टैक्स ईफिलिंग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और हम बड़े आसानी से अपना TDS का डिडक्शन देख सकते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में हम लॉगिन करके अपना TDS का डिडक्शन देखना सिखाएंगे और ITR फाइल करना भी सिखाएंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।